दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी फिल्म जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जिंदगी को आप नजदीक से देख सकते हैं। इस फिल्म के डायलॉग, स्टार्स की एक्टिंग सभी जबरदस्त है, लेकिन विकी कौशल की उड़ी की वजह से इस फिल्म को कुछ खासा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। वहीं हाल ही में इस फिल्म से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर इस फिल्म के मेकर्स को धक्का लग जाएगा। देखिए जरा ये रिपोर्ट। मनमोहन सिंह की जिंदगी पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी रिलीज हुई है। जहां भारत में लोग अनुपम खेर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। अनुपम को काफी खरी खोटी सुनाई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म भारत में नहीं चली तो पाकिस्तान में रिलीज करके पैसा कमाना चाहते हैं मेकर्स। तो वहीं कुछ का कहना है कि अनुपम तो बहुत देशभक्त बन रहे थे तो पाक में फिल्म क्यों रिलीज की। ट्वीट्स पर डालिए जरा नजर। सरकार के खिलाफ बोलने वालों को पाकिस्तान भेजने वाले आज सरकार के हिमायती अपनी फिल्म जो भारत में पूरी तरह पिट चुकी है उस फिल्म को लेकर पाकिस्तान गए हैं पैसा कमाने। ये लोग दूसरों को देशभक्ति सिखाते हैं। पाकिस्तान एक्टर्स इन बॉलीवुड क्रिकेट टाइज विद पाकिस्तान। सिंधु हग्ड एवरीवन, रिलीजिंग मूवी टू मिंट सम मनी दैट इज फ्रॉम अ सो कॉल्ड नेशनलिस्ट इज आर नेशनलिज्म सेलेबल। Also giving a chance to Pakistan to laugh at our former PM, a right thing. पैसा बोलता है। अपना प्रमोशन खुद ही कर रहे हो, लगता है चाय पानी का खर्चा भी पाकिस्तान से निकालोगे। Poor you India, में पिक्चर नहीं चली तो पाकिस्तान चले गए, वहीं रहना वापस मत आना। पहले तो बहुत देशभक्त बन रहे थे, अब कुछ पैसे के लिए पाकिस्तान में भी मूवी रिलीज करने लगे। सर, कुछ पैसों के लिए आप पाकिस्तान में मूवी रिलीज कर दोगे, भूल गए उरी अटैक आप। सही कहा है किसी ने, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो देखा आपने अनुपम को अपनी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज करना कितना महंगा पड़ गया है। वेल, अब इस पूरे मामले में अनुपम कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।